और चौथा है आपका रासायनिक बलगति, पांचवा है पृष्ठ रसायन। तो क्या हालचाल, नमस्कार, मैं हूँ एग्जाम मैन। और भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त से पढ़कर 90% से ऊपर कैसे लाएं। हाँ गाइस, आप सिर्फ अगस्त से पढ़कर केमिस्ट्री क्लास 12th में 90% से ऊपर ला सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा तो। और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस और चाहिए तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई देखो, अगर तुम क्लास 12th में हो और तुम्हें 90% से ऊपर लाना है तो तुम्हें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो बाकी बच्चे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ से पढ़ रहे हो तो भाई तुम्हारा ये पूरा सिलेबस इस चैनल पर कराए जाएंगे, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हारे 90% लाने के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपके 90% कैसे आएंगे। तो देखिए, आपके केमिस्ट्री में लगभग 1 से लेके 16 तक चैप्टर्स हैं। आपको पता होगा कि पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा है वैद्युत रसायन, चौथा है आपका रासायनिक बलगति, पांचवा है पृष्ठ रसायन। कुल मिला के आपके पास 16 चैप्टर्स हैं। तो हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी स्ट्रेटजी कि आप बड़े ही आसानी से इन सभी चैप्टर्स को कैसे तैयार कर सकते हैं और अपने एग्जाम में 90% से ऊपर कैसे लाएंगे, वो भी केमिस्ट्री में। हाँ तो गाइस, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया हमने तो क्लास 11th पूरी बर्बाद कर रखी है, ठीक से पढ़ी नहीं है, फिर हम केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, तो भाई हाँ, अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन तुम अगर यहाँ से पढ़ोगे तो तुमने 11th थोड़ा भी नहीं पढ़ रखा होगा ना, तो फिर भी तुम्हारा यहाँ से 12th में कम से कम 90% तो कैसे भी आ जाएंगे, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे 90% कैसे आएंगे। तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए बढ़िया से देखो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम आगे आने वाली सभी अपडेट तुम्हें आसानी से मिल सके। तो देखो, तुम्हारे पास शुरू किए 5 चैप्टर जैसे कि ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति और पृष्ठ रसायन। यहाँ से भाई तुम्हारे हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, चाहे वह बहुविकल्पी हो या फिर छोटी परिभाषाएं हो या फिर बड़ी परिभाषा हो या फिर कोई मैकेनिज्म हो, यानी यहाँ से तुम्हारा हर प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इसीलिए तुम्हें इन चैप्टर्स को कुछ अच्छे से पढ़ना होगा, जो कि हम तुम्हें इस चैनल पर कराएंगे। और इसीलिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। और फिर तुम्हारे पास चैप्टर्स आते हैं चैप्टर्स 6, 7, 8, 9, यानी कि ये जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं ये काफ़ी आसान चैप्टर्स हैं, यानी कि इस चैप्टर से तुम्हें सवाल एकदम नहीं पूछेगा, एकदम सवाल आएगा ही नहीं, आज तक नहीं आया ना कभी आएगा। ये चैप्टर्स तुमने हाई स्कूल में पढ़ रखी होगी तो सेम वही चैप्टर और वही सब डेरिवेशन इसमें भी है, तो यानी ये चैप्टर तुम्हारा बहुत ही आसान है। और रही बात पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के तत्व, तो ये तुमने पढ़ रखा है क्लास 11th एंड 10th में। अगर नहीं पढ़ रखा है तो भाई बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। यहाँ से बस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो कि मैं तुम्हें इस चैनल पर करा दूँगा, जो कि बहुत आसान है। तो चलिए अब नौवां चैप्टर देखते हैं। नौवां चैप्टर आपके पास है उपसंयोजन यौगिक। ये चैप्टर भाई तुम्हारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में से लगभग 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और जो कि मैं तुम्हें कराऊंगा बिल्कुल आसानी से। अगर तुमने 11th ना भी कर रखी होगी ना तो भी तुम कर लोगे। तो आपका अगला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, और उसके बाद ये तीन चैप्टर्स, यहाँ से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन कैसे बनाई जाती है, या फिर एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, या फिर यहाँ से देखें तो एल्डिहाइड कैसे बनाई जाती है। मतलब इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाते हैं जो कि तुम एक परिभाषा के तौर पे काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, जो कि मैं तुम्हें इस चैनल पे अच्छे से करा दूंगा। तो फिर तुम्हें यहाँ से इस चैप्टर्स का भी थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ तुम्हें हर चीज़ बहुत ही आसान लैंग्वेज में कराई जाएगी। और रही बात आगे के चैप्टर्स, जो कि एमीन, जैव अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन है, यानी कि यह चैप्टर्स तुम्हारे थोड़े बहुत बायोलॉजी से रिलेट करते हैं। भाई अगर तुम बायोलॉजी से पढ़ते हो तो तुम यह चैप्टर्स तो बड़ी ही आसानी से कर लोगे, थोड़ी बहुत इसमें केमिस्ट्री है। अगर तुम मैथ्स से हो तो भी तुम कर लोगे अपनी क्लास 10th के अकॉर्डिंग, यानी जो 10th में तुमने पढ़ रखा है सेम उसी के टाइप का यहाँ भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा और तुम काफ़ी आसानी से कर सकते हो। और रही बात बहुलक, तो भाई ये भी बहुत आसान चैप्टर है, तुम इससे भी बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर तुम यहाँ से पढ़ोगे तो भाई मैं तुम्हें ये हर एक चैप्टर पढ़े ही आसान शब्दों में बता सकता हूँ और तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 90%
बहुत आसानी से ला सकते हो। रही बात आपके 16वें चैप्टर यानी दैनिक जीवन में रसायन, तो भाई ये एकदम साधारण सा चैप्टर है, इसमें कुछ बहुत पढ़ने वाली चीज़ है नहीं, यहाँ से बस नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये ना पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी बस एक बार पढ़ लेना, बाकी तुम बोर्ड एग्जाम में तो फोड़ दोगे भाई। बेहतर तरीके से तुम्हें यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, इसीलिए तुम चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लो। तो अब तुम पूछ रहे होगे कि भैया कब तक आप हमारा सिलेबस करा देंगे, तो भाई देखो अगर तुम लोग वाकई में अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो, तो भाई हर रोज़ तुम्हें मैं हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूँगा, और भाई तुम्हें उन सभी क्वेश्चन को रोज़ के रोज़ तैयार कर लेना है, यानी कि तुम भाई डेली इन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो भाई तुम्हारे 90% कहीं नहीं जाएंगे। और भाई इस चैनल पे तुम्हें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF भी दिए जाएंगे, यानी कि PDF तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री हो, जो कि तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, और भाई तुम हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो घर पे भी। तुम्हें अगर ये सब कुछ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सके। और तुम्हें अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो कि भैया हमें ये डाउट आ रहा है, तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। और अगर तुम्हें और किसी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भी कमेंट में तुम बता दो, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12th के सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हें एक टॉपर बनाने के लिए बहुत ही पर्याप्त होंगे। तो भाई चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दो, एकदम बिल्कुल शेयर कर दो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।